पहले चेक नहीं करा था, पहले आके चेक नहीं। आम धूपयम प्रतिगृहताम श्री राधा माधवाय नमः। कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम नभ कंज लो कंज मुख कर कंज पद कंज कंदर पयगणित अमित छवि पटपीत मान कर रुच सुच नौ जनक सुपा भजुदीन बंधु दीने कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषण आजान भोज सर चाप धर संग्राम जित कर भगति तोरसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास गुरु का माद खल दल गंज सियरा सुंदर सा
जान गौरी अनुकूल सियही हरसन जात कहे श्री मंजुल मंगल मोल बाम अंग फरकन लगे। बोल रज राम चंद्र भगवान की जान। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती देवी नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरु देवाय नमः। स्वस्ति श्री रामचंद्राय नमः। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरु श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम सावद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरो पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़ित विनिंदित पीताम्बर धारी श्री भाज कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति सन्मुख विराजमान श्री जुगल किशोर की जोड़ी राधा कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को सादर प्रणाम करते हैं। कथा में आए सभी भक्तगण माताएं बहने पिता तुल्य बुजुर्गवार नौजवान साथी एवं छोटे छोटे प्यारे बच्चे जलचर थलचर नवचर समस्त जगत जीव में व्याप अंशरूपी परमात्मा को इस पवित्र व्यासपीठ से आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हैं। श्री सीतानाथ समारंभ श्री महावीर मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल यसु जो दायक फल बोधहीन तन जान के सुमिरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मान जो आगच्छ वायु सुनो तुम मया रामायणी कथा प्रारभ्यते भव श्रोता गृहणतममोत्तमम् श्री रामचरित मानस विमल कथा करूं चित चार आसन आई विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम
सीता समारोपित भागम पाणौ महासायक चारु जातम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वासवारि परिपूर्णलोचनम् महारुतिं नमन्त राक्षसंतकम् जयति कवि कुमुद चंद्र तुलसी हर्षवर्धन तुलसी सुजन चकोर कदंब यता कविता कौमुदीन पिबती जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जाए बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ जोड़ पाए आकर चार लाख चौरासी जाति जीव जल थल नभवासी सिय राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोर संत सरल चित जगत हित जान सुभाव सने बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति दे निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करम तुम पाही करन चाहूं रघुपति गुन गाहा लघुमति मोर चरितय गा सभी श्रद्धालुओं का इस साप्ताहिक मानस चर्चा एवं श्रीमद् भगवद गीता चर्चा में स्वागत है। आइए दो मिनट के लिए भगवत नाम कीर्तन करें फिर कथा में प्रवेश किया जाए। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम Thank you.
Ram Sita Ram
सीताराम 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 जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। जिन्हें भगवान की भक्ति जिनके हृदय में नहीं है वो एक जिंदा शव है। जिंदा तो है किंतु शव है, लाश है, मुर्दा है। जो नहीं करई राम गुण गाना जीह सुदादुर जीह समान। दादुर का मतलब समझते हैं, जैसे मेढक होता ना, मेढक वो दिन भर टर टर करता है, रात को भी करता है, मगर उसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरा एक मतलब संत मत में है, एक पक्षी होता है, वो पक्षी रात भर तो विचरण करता है, उड़ता है इधर से उधर, मगर जैसे ही सुबह होती है वैसे वो किसी न किसी वृक्ष पर जाके लटक जाता है उल्टा है। उसी प्रकार से हमारा यह बिना राम के मानव का जीवन है। क्या मतलब है? जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसका कोई जीवन जीवन नहीं है। समझाने के लिए प्रकृति ने जो दंड दिया है, जिसे समझाते समझाते 100 वर्ष के बाद यह सीख प्रकृति ने हमको दिया, तो उसे हमको समझ लेनी चाहिए। लेकिन अभी फिर भी वही बात है, चलने दो चलने दो। भगवान कौन है? कल हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि यही लोगों को यही नहीं सब अभी निश्चित कर पा रहे हैं कि भगवान है कौन है। काली माता भगवान है कि दुर्गा पिता भगवान है, कुछ निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर भगवान है कौन। उदाहरणार्थ है तो सभी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, सभी देवी देवताओं को आप मानिए किंतु पूजा सिर्फ और सिर्फ भगवान की करिए। ये मौसा जी और फूफा जी और चाचा जी सब आपके परिवार से संबंधित हैं, आपके रिश्तों से संबंधित हैं, किंतु क्या फूफा कभी पिताजी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मौसा जी, हम लोग क्या कर रहे हैं? साधारण सीधा सीधा ये उदाहरण है कि हम लोग अपने फूफा और मौसा को पिताजी बना के बैठे हैं, जबकि पिताजी कोई और है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, यही हमारे पिता हैं, किंतु हम देवताओं को अपना पिता मान बैठे। कुछ लोग साकार की पूजा करते हैं, कुछ लोग निराकार की पूजा करते हैं।
दोनों एक ही है, मानस में बाबा ने लिखा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी भक्तावर जोगी। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर काज करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बढ़ जोगी। वो निराकार का स्वरूप है, उसके पांव नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, आंख नहीं है फिर भी देखता है, शरीर नहीं है फिर भी सभी क्रियाओं को करता है। किंतु जब हमें इस मर्त लोक पर उसकी आवश्यकताएं पड़ती हैं तब वह रूप धारण करता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहु कृपा निधि सजन पीरा। फिर वह धारण करता है, मानव शरीर धारण करता है। माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से सती स्वरूप का 87,000 वर्ष त्याग करने के बाद पार्वती जी के रूप में जब जन्म हुआ, प्रणय सूत्र में बंधन हुआ उनका, उसके बाद कैलाश पर्वत पर गई और वहां पर एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम कार्तिकेय हुआ, और उन्होंने तारकसुर नामक असुर का वध किया। और एक दिन समय निकाल करके मां पार्वती जी भोलेनाथ से आग्रह की, हे भोलेनाथ, जिस पर मैंने संदेह किया था मुझे उनके बारे में कुछ बताएं। और उनका अवतार कब कब होता है, क्यों होता है, उसके बारे में भी आप बताएं, और उन बाल लीलाओं में उन्होंने क्या किया उसका भी, उसकी कथा भी मुझे बताएं। भोलेनाथ कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन। बाबा ने लिखा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविधि बहु संता। भगवान के एक दो जन्म नहीं है, बहुत है, अनंत है।
और उनके नाम भी अनंत हैं। भोलेनाथ ने कहा, ध्यान दीजिए सभी लोग, कि उनके जन्म एक नहीं है, अनेक हैं। और एक दो हो तो बताऊं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे एक दो जन्मों की बात बताइए। बोले, हे प्रिय, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रूप जय जान सबको। भगवान के द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे सनत सनंदन सनत कुमार सनकाद। इनके श्राप से 3 जन्मों तक के लिए राक्षस हो गए। पहला जन्म हुआ हिरण्यकश्यप के रूप में, एक हिरण्यकश्यप हुआ, दूसरा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने 12 रूप अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप अवतार लिया। फिर उसका अगला जन्म, दोनों का रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। रघुवंश में कश्यप और अदिति नाम के राजा थे, उन्होंने तपस्या की पुत्र की इच्छा के लिए, और अगले जन्म में उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म हुआ। उनके यहाँ पर भगवान ने अवतार लिया। एक जन्म और हुआ जालंधर के रूप में, विष्णु रूप धारण किया भगवान ने, वृंदा का सतीत्व मिटाया और हिरण्याक्ष जो था वही शिशुपाल के रूप में आया। पार्वती जी कहती हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। भोलेनाथ ने बताया कि एक अवतार उनका नारद जी से भी श्रापित हुआ। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। कौन सा कारण हुआ जो उन्होंने श्राप दिया। प्रार्थना करते हुए पार्वती जी कहती है, कहूं राम गुणगाथ भारद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसीत जी मान पद।
मुझे वो नारद जी का प्रसंग आप सुनाइए। भोलेनाथ कहते हैं कि सुनो सावधान सुन वो ही सुनो सुन सुकुमारी, मैं आपको नारद जी ने किस कारण से श्राप दिया था यह कथा आपको सुनाता हूं। हे मैं गिर गुहा एक अति पावनी, हे मैं गिर गुहा एक अति पावनी, गिर गुहा एक अति पावनी, हिमगिर गुहा एक अति पावनी, एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, बह समीप सुर सरे सुहावनी, सुर सरे सुहावनी, समीप सुर सरे सुहावनी, आश्रम पराम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, देख देव देखी देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, श्री राम जय राम जय जय राम जी, श्री राम जय समय की बात, नारद जी तपस्या करने के लिए हिमगिरि गुफा में गए, तपस्या करने लगे और तपस्या करते करते इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। देवता लोग डरपोक होते हैं, उन्हें यह डर होता है कहीं हमारा सिंहासन न छूट जाए, इस कारण इंद्र ने अपने मंत्रियों को भेजा कि पता लगाओ मंत्रियों ने जाकर के पता लगाया और बताया इंद्र को पता चला कि नारद नाम के एक ऋषि हैं जो तपस्या कर रहे हैं। इंद्र को डर हो गया कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली किन्ह सनुमाना, कामदेव को भेजा
कामदेव उर्वशी रंभा मेनका तमाम परियों को लेकर के नारद जी का ध्यान छुड़ाने के लिए गए और नारद जी का जब ध्यान छूटा तो कामदेव ने सारी व्यथा को बता दिया। नारद जी को अहंकार हो गया कि ऐसा लगता है कि मैं देवताओं को जीत लिया हूं, अर्थात कामदेव को भी मैंने जीत लिया। क्यों ना हो यह समाचार चल करके मैं विष्णु जी को बताऊं। और आपको पता है कि अहंकार भगवान का भोजन है। भगवान ने सोचा कि अगर नारद जी को अहंकार हो जाएगा फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्यों ना हो नारद जी के इस अहंकार को दूर किया जाए। लीला किया भगवान, जैसे वहां से चले मार्ग में एक सुंदर नगर को बसाया। योग माया लक्ष्मी जी का एक रूप है, उन्होंने आदेश किया कि जाओ ऐसे ऐसे यत्न करो और नारद जी का मोह भंग हो। बस ही नगर सुंदर नर नारी जन बहु मन सिज रति तनु धारी देखी पुर बस ही सील निधि राजा अगणित है अगन सेन अभिष मोहिनी दास कुमारी श्री विमोह जिस रूप निहारी। सुंदर नगर बनाया और वह सुंदर नगर में लक्ष्मी जी के द्वारा बसाया गया। वहां के एक राजा को जिनका नाम शीलनिधि रखा गया और लक्ष्मी जी मोहिनी के रूप में वहां पर प्रकट हुए। विश्व मोहिनी कहा गया उनको। नारद जी के मन में आश्चर्यचकित हुआ, अचंभा हुआ कि जब मैं यहां से गया था तब तो कोई नगर नहीं था, इतने दिनों में ही सुंदर नगर कहां से आ गया। चल करके देखे नारद जी गए और वहां पर पूछा तो बताया यहां के राजा शीलनिधि हैं, उनकी पुत्री है विश्व मोहिनी। नारद जी ने नारद जी को देखकर शीलनिधि राजा ने नारद जी से पूछा कि कुछ हमारे पुत्री का लक्षण बताएं। हस्तरेखा दिखाया तो पता चला कि जो इस कन्या को भरेगा वह विश्व विजयी होगा। समझने में अंतर है। अब नारद जी को क्या पता कि विश्व विजयी तो एक ही है। नारद जी उल्टा समझ गए, सोचे कि जो इस कन्या का वर होगा वह विश्व विजेता होगा, अर्थात जिसका भी विवाह इससे हो जाए। ऐसा नहीं, नारद जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा अगर इससे मेरा विवाह हो जाए तो कितना सुंदर होगा, लेकिन मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा रूप नहीं है। नारद जी विष्णु जी के पास जा रहे थे अपने तपस्या की खबर को सुनाने। मन में लालच हुआ, काम वासना जागृत हो गई, काम वश हेतु नारद जी विष्णु जी के पास स्वरूप मांगने चले गए। मुझे आप अपना स्वरूप दे, आपन रूप देहु प्रभु मोही आनि भाति नहीं पावही मोही।
अगर आपका रूप मिल जाए तो मैं उस कन्या को प्राप्त कर लूंगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है। और हे प्रभु, जे ही विधि हो ही नाथ हित मोरा, 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 नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। भगवान से कहा कि जिस प्रकार से मेरा हित हो सके आप वो काम करें, चाहे अपना रूप दें, चाहे मेरे से शरीर को ही सुंदर बनाए, जैसे भी संभव हो सके। भगवान ने सोचा अगर मैं इनको अपना स्वरूप दे दिया और कहीं देवर्षि नारद जी विवाह कर लिए तो ऋषियों का विश्वास खत्म हो जाए। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। विष्णु जी ने कहा, नारद मैंने आज तक तुम्हारा कभी अहित किया है? मैंने किसी का अहित नहीं किया, सबका हित किया है। जही विधि हो ही परम हित नारद सुनहुं तुम्हारे, जिस प्रकार से तुम्हारा हित हो मैं वह काम करूं। सोई हम करब नयान कछु बचन नम्रिसा, मैं वही करूंगा। भगवान समझ रहे हैं हम क्या करते हैं, कथा का यह संदेश है। हमें बुखार हो जाए तो हम कहते हैं भगवान ने हमको बुखार कर दिया है। अच्छा, मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू थू, जो मीठा है वो सब हमारा, हमने किया, आज जब कड़वा हो जाए तो तुमने किया है। संसार के जितने भी संसाधन मेरे माई बाप, जो अच्छा है मानव जाति की प्रवृत्ति है, वह श्रेय किसी अन्य को नहीं स्वयं को देता है। जो कुछ होता है अच्छा उसको कहता ये हमने किया, आज जो कुछ बुरा हो जाए तो भगवान ने किया। दोष मढ़ने में समय नहीं लगता, तो भगवान भी वही कहते हैं। हम ये हमारी सोच है। एक दिन ये माई थी, पहुंची मंदिर में, मैंने देखा इनको, मैं देखती, देखो मैं घटनाएं सत्य बताता हूं और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष हो उसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तो गई, हालांकि ये सहयोग करती थी हमारा, सुबह सुबह झाड़ू पोछा मठ में करना तो दिक्कत तो होती थी। देखा मैंने इनको, मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले महाराज हाथ में चोट लग गई, फिसल गया, गिर गई। मैंने कर ले, कम से कम आकर के झाड़ू पोछा करती थी वो भी बंद।
तो कहने लगी महाराज हाँ देखो ना भगवान को भी दया नहीं आई, भगवान भी नहीं सोचे कि मेरे यहाँ झाड़ू लगाती है कम से कम इसके हाथ क्यों तोड़ूं। मैंने कहा नहीं आप गलत सोच रहे हैं, अच्छा हुआ जो एक ही टूटा। जो दोनों होता तो और दोनों ना हो, अच्छा हुआ जो एक हाथ में लगा, अगर दोनों पैर में लग जाता तो आप यहां आ सकती, आई नहीं पाती। तो कम से कम कुछ ना करो, आप कुछ मत करना यहाँ के, आओ और जो आपका रोज का क्रिया है वो अपना करती रहो। रिझाने के लिए भगवान को आती हो, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं है, वो अपना करते रहो। तो मानो जाति का ये स्वभाव है कि जो कुछ अच्छा होगा वो स्वयं को श्रेय देगा, जो कुछ बुरा होगा वो दूसरे को देगा। हंसी आती है कभी कभी, कभी लोग क्या करते हैं कि पूजा पाठ और भगवान का मंदिर धाम तीर्थों में भी जाना बंद कर देते हैं। कोई घटना घट जाए, एकादशी के दिन कोई मर जाए, एकादशी का व्रत बंद, कहेंगे इसी दिन मेरे जो है फूफा जी मरे थे, अब आज एकादशी आज से बंद है। रामनवमी के दिन अगर बच्चा पैदा हो जाए तो कहेंगे राम जी आ गए हैं, कहेंगे हमारे जो घर में पोता हुआ ना वो भगवान जिस दिन जन्म लिए थे उसी दिन जन्म लिया, ये राम है, और आगे चल के क्या काम करेगा पता नहीं है, है? और अगर एकादशी के दिन चोट लग जाए तो एकादशी बंद है। और गीत गाते हैं, भजन गाते हैं लोग, खाली गाते हैं उस पर अमल नहीं करते। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर हाथ दीन नाथ के, जिंदगी की डोर हाथ दीन नाथ के, तू अकेला नहीं साथ राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारी राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारी दीनानाथ के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से महात्म्य, मुख में हो राम नाम राम से महात्म्य, किया अभिमान तो फिर
मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म कर रहिए। हो जाए बेटे ना तेरा ताही वेद रहिए, जाए बेटे ना तेरा ताही वेद रहिए। हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के। ये माताएं खंबे के आड़ में सो रही हैं, गाइए थोड़ा, है ना? माइक वाले नहीं गाएंगे, बिना माइक वाले गाएंगे। ओ जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, हरि बोल। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ओ जाई बे तेरा खेरा ताही दे दे रहिए, जाई बे तेरा खेरा ताही बे दे रहिए। कहते हैं हम कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, रहते नहीं हैं खाली कहते हैं। आज जैसा वो रखता है वैसा हम रहते नहीं। मानव के चार पुरुषार्थ हैं, मानव जीवन को जीने के लिए चार पुरुषार्थ हैं, उन चारों पुरुषार्थों के आधार पर जीवन है। लेकिन हम पुरुषार्थ का पालन नहीं करते, अलग अलग सीढ़ियों पर चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से नारद जी ने किया, जो उनका काम था वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। अब काम के वशीभूत होकर के माया के चक्कर में पड़ गए। वहां पर भी उनका परिहास हुआ और परिहास के उपरांत क्रोध अभिष में आकर के विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे मैं नारी विरह में तड़प रहा हूं वैसे तुम भी नारी विरह में वियोग में रोगे, और मेरा जो बंदर का मुख बनाया यही बंदर प्रजाति तुम्हारी सहायता करे। क्यों? क्योंकि तुम तो भगवान हो ना, तुम्हें कुछ कह नहीं सकता कोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहूं तुम सोई। तुम वही करते हो जो तुम्हें समझ में आता, जो अच्छा लगता है, क्योंकि तुम तो स्वतंत्र हो ना, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई हुक्म चलाने वाला नहीं।
हम तो तुम्हारे अधीन है, किंतु जैसे मुझे आपने बंदर बनाया, मेरा उपहास हुआ, उसी प्रकार आपका भी स्त्री विछो होगा, वियोग होगा। और जब माया दूर हुई, जब नारद जी को पता चला ये सब माया, योग माया के द्वारा मुझे विचलित करने का और मेरे मन को प्रभु के चरणों में लगाने का यह कारण था, तब भगवान से माफी मांगे, क्षमा मांगे। अग्नि में, हृदय में अग्नि की ज्वाला धधकने लगी कि मैंने अपराध कर दिया। भगवान से कहा मैं क्या करूं, भगवान ने कहा एक काम करो, जब कभी मन ना लगे, कथा का यह संदेश है, यहां इस प्रसंग में यह बात आती है, कहते ना आप कभी कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मन बड़ा उदास है, मन मैला हो गया है, मन गंदा हो गया है, मन चंचल हो गया है, या किसी कारणवश आप व्यथित हैं, चिंतित हैं, तो पुरुष वर्गों में जो गंदी आदतें होती हैं तो वो क्या करते हैं, वो नशा पदार्थ लाते हैं और उसका सेवन करते हैं। माताएं जो होती हैं स्त्री स्वभाव, वो तो ज्यादा नहीं कुछ करती हैं, मगर अगर उनसे प्यार से भी उस समय कोई बोल दे तो उनके ऊपर ही बरस पड़ेगी। विक्षेप, अंतर मन में जब विक्षेप होता है, क्रोधाभास होता है, मन में कोई उद्विग्नता आ जाती है, उस समय यह ऐसा आभास ऐसा स्वभाव बन जाता है, तो क्या करें उस समय, मालूम सबको है कि क्या करना चाहिए, किंतु उस पर दिमाग जाता ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता। सरल है, एकदम सरल है, मन को एकाग्र करो, और जब कभी क्रोधाभास हो तो मन को एकाग्र कर लो, एकाग्र करके कहीं एकांतवास ले, हो सके तो थोड़ा घर से दूरी बना लो, ऐसा दूरी मत बनाओ कि साधु बन जाना। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। भाई हमारे जैसा काम मत करना, दूरी बनाना, और या अपने घर के अंदर एकांतवास में जाकर के भगवान का भजन करना। अब यहां पर कई लोगों का प्रश्न उठता है, भजन के माध्यम से भी कुछ लोगों ने गाया है, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाएं, जितना इसे समझाएं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। देखिए हमारे प्रश्नों का उत्तर इसी भजन में है, हम गाते भी हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, उत्तर इसी में है। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करो, मन चंचल है, मन गंदा है, मन मलिन है, क्या करें। फिर दूसरी लाइन आती है, क्या उसी में उसका उत्तर है, जितना
राधे तेरे चरणों की। वृंदावन किस लिए जाते हैं, अयोध्या किस लिए जाते हैं? क्या कृष्ण भगवान बैठे हैं क्या वहां, या राम जी वहां बैठे हैं? उनका श्री विग्रह है वहां, स्वयं नहीं है, उनकी कृपा है, मगर वो वहां नहीं है, लेकिन है। कैसे है? कि राधे तेरे चरणों की। ये धरती वही है राम वाली, ये पृथ्वी वही है कृष्ण वाली, ये रज वही है राधे वाली, ये नहीं बदली। कई बार प्रलय हुआ मगर धरती वही है, यमुना वही है, सरयू वही है, ये नहीं बदली। तो हम वहां किस लिए जाते हैं? कि जिस यमुना में कृष्ण ने स्नान किया, जिस सरयू में राम जी ने स्नान किया, उस सरयू में हम भी जाकर के गोता लगाएं तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। उत्तर है उसी में ना, फिर भी हम खोजते हैं कहां, इधर उधर कहीं। अच्छा एक बात और सुंदर है, कितनी सुंदर बात, आपको अगर नहीं मालूम अज्ञानता है तो उसका उत्तर एक जगह और मिलता है। हनुमान चालीसा कितने लोग पढ़ते हैं? हनुमान चालीसा और जानते भी हैं। अच्छा कितने लोग सुनते हैं हनुमान चालीसा? सुने नहीं सुने कभी? नहीं सुने? सुने ना, हनुमान चालीसा की पहली चौपाई है क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज। देखिए हम पूरे मानस में, मैं आपको एक बात और बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। सभी वेद, वेदों का जो सार है, चारों वेदों का जो सार है वह पुराण है। सारे वेदों का सार पुराण है, और पुराणों का सार क्या है? पुराणों का सार, पुराणों का सार मानस है, और मानस का सार क्या है? श्रेष्ठ उपनिषद जिसको कहा गया वह गीता है, और गीता का सार क्या है? मानस और गीता सार है ये, उसका सार क्या है? हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा में वह चौपाई है। अब कथा यहां पर एक मूल में आती है क्या, कि वेद अगर पढ़ पाओ तो ठीक है, नहीं तो पुराणों को सुनो। पुराण पढ़ पाओ तो ठीक है, नहीं तो मानस को सुनो। मानस को सुन सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो गीता का अध्ययन करो। गीता को श्रवण कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो हनुमान चालीसा का अध्ययन करो। हनुमान चालीसा को भी अध्ययन अगर नहीं कर सकते सुन सकते तो हनुमान चालीसा की पहली चौपाई पर ध्यान दो, बस एक ही चौपाई। क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। देखिए कैसे है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन जो मलिन है गंदा है, मुकुर है सुधार। अगर मन को ठीक करना है तो श्री गुरु जी की चरणों की रज। अब क्या करोगे, रज कहां से लाएं? अब गुरु कौन है यह भी भेद है, यह भी प्रश्न उठता है कि भी गुरु कौन है? मानव के रूप में मार्गदर्शन करने वाला, धर्म के मार्ग पर चलाने वाले को हम गुरु के जैसा सम्मान दे सकते हैं, मगर गुरु नहीं हो सकता। इस श्लोक में बोलते ना आप लोग, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गाते हैं हम लोग।
ये श्लोक हम लोग गाते हैं लेकिन इसका मतलब कुछ और लगाते हैं। गुरु को ब्रह्मा समझते हैं, गुरु ब्रह्मा नहीं है। अगर ये मानव शरीर वाला गुरु ब्रह्मा है तो इसके चार सिर होने चाहिए। चार सिर है नहीं है तो फिर गुरु ब्रह्मा कैसे हो सकता? गुरु ब्रह्मा नहीं है। गुरु विष्णु चार हाथ होने चाहिए, चार हाथ नहीं है, दो ही है। गुरु देव महेश्वर विकट वेश मुख पंच पुरारी शिवजी हो सकता है लेकिन नहीं है, वो भी नहीं है। ये सब चीज है उसमें, जो मानव रूपी गुरु बनकर के फिरता है उसमें है क्या? नहीं है। आखिरी लाइन को लोग नहीं समझते। आखिरी लाइन क्या है? गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है? गुरु साक्षात ब्रह्म है। साक्षात ब्रह्म है और भागवत महापुराण में भी लिखा है क्या? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरवर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। कृष्ण जो है यही हमारे गुरु हैं और कृष्ण अपनी बात को जीवों के पास पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनाते हैं। जो मानव रूपी संत महात्मा होते हैं उन्हीं को हम लोग, वो परमात्मा भेजता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उस परमात्मा के संदेश को लेकर आने वाले को ही हम परमात्मा बना देते हैं और यही हमारी भूल हो जाती है। वेदों के जो मंत्र हैं परोक्षवादी होते हैं, कहने में कुछ और समझने में कुछ और होता है। ऐसे चौपाई मानस की है, लोग गाते हैं उसका मतलब नहीं समझते, आगे पीछे का नहीं गाएंगे। मानस में लोग हमारे भौतिकता जीवन में सांसारिक जीवन में लोग उस चौपाई को गा देते हैं क्या? ढोल गवार सूत्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी है। ये चौपाई गा देते हैं, अक्सर लोग गाते हैं कि स्त्रियों को मारना चाहिए। ढोल गवार सूत्र पशु नारी यह सब ताड़न, जो ताड़न शब्द है ना वो प्रताड़ित करने का नहीं है, वो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा देने योग्य है। स्त्री है, है गंवार ढोल, अगर ढोल पीटने से सही बजे तो उठा के लाठी पीट दो है, लेकिन शिक्षा से संबंधित है, बजेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से आगे पीछे की चौपाई भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस चौपाई से पहले क्या लिखा है क्या उसको नहीं बताएंगे। प्रभु भल कीन है मोहि सिख दीनी अमर्यादा प्रभु तुम्हारी कीनी। इसके बाद वो आती है चौपाई कि ढोल गंवार सूत्र पशु नारी। आइए उस समय की बात है जब भगवान जा रहे थे लंका में और समुद्र को जब पार करना था उस समय समुद्र के पास जाकर के प्रार्थना किया। जल बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीते बोले राम सको पुतव भव बिन होइन बीत। उस समय बताया तो जड़ता है का स्वभाव समुद्र का, समुद्र का स्वभाव है जड़ता का, इसलिए समुद्र ने राम से कहा आप हमारे पर खामो का गुस्सा क्यों करते हैं, क्यों मारते हैं मुझे, तीर धनुष क्यों निकालते हैं, आप मुझसे कह दीजिए मैं सूख जाऊंगा। और समुद्र का स्वभाव जड़ता का है लेकिन हे प्रभु आपका मान घटेगा, आपका सम्मान घटेगा अगर मैं आपके कहने से सूख जाऊं
तो आप ही ने मर्यादा बनाई, आपका मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, वहां बताएं। तो इसी प्रकार भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, कभी भी बुरे के लिए नहीं करते। हम समझते हैं कि बुरा है, ऐसा नहीं। हृदय में अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। नारद जी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु मैं क्या करूं, मुझे शांति कहां मिलेगी? तो मन को एकत्रित करो और उसको गुरु के चरणों में लगाओ, भगवान के चरणों में लगाओ, भजन करो। जाहू जप ही जाई शंकर सतनामा, होई हई हृदय तुरत विश्रामा। आप जाकर के भगवान के नाम का स्मरण करें। नारद जी वहां से चल पड़े और भगवान का भोजन करने लगे। बाबा को लिखना पड़ा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता। भगवान, भगवान से बढ़कर क्या है? भगवान का नाम है। और इस कलिकाल में नाम की महिमा है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी और कार्य में उलझे हुए हैं। हमारे गुरुदेव जी ने एक दिन एक बात बताई, शर्मा जी बहुत ही गूढ़ रहस्य तत्व कि पूजा से श्रेष्ठ, हम पूजा करते हैं ना, पूजा से श्रेष्ठ जो है वह आरती है। हम आरती करते हैं ना, कितनी भी पूजा कर ले लास्ट में क्या करते हैं? अंतिम में आरती करते हैं। और कथा में जो लोग आते हैं वो लोग पूरी कथा तो सुनेंगे, जब आरती का नंबर आएंगे तो कहे चलो 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 आरती होने वाली है, चलो चलते हैं, आरती छोड़ जाएंगे। हैं? पूजा से श्रेष्ठ क्या है? आरती। और आरती भी, आरती से भी श्रेष्ठ क्या है? कीर्तन, भगवान के नाम का। आरती मिले ना मिले कोई बात नहीं, अगर भगवान का कीर्तन मिले तो आरती को छोड़ दो। लेकिन अगर आपके जीवन में कीर्तन नहीं है, पूजा नहीं मिली तो आरती को पकड़ लो, आरती नहीं मिली तो कीर्तन को पकड़ लो। तो आरती से श्रेष्ठ क्या है? कीर्तन। और कीर्तन से श्रेष्ठ क्या है? संकीर्तन। आप अकेले कीर्तन करते हो और अगर आपका दो चार संगत मिल जाए कीर्तन करने वालों का, तो उस अकेले कीर्तन से श्रेष्ठ है संकीर्तन। और संकीर्तन से श्रेष्ठ है नगर संकीर्तन। अगर आपको दो चार लोगों की संगत में कीर्तन ना मिले, घूम 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 करके टहल टहल करके संकीर्तन मिले तो नगर संकीर्तन कहते हैं उसे, नगर संकीर्तन श्रेष्ठ। जानते क्यों? क्योंकि नगर संकीर्तन के माध्यम से आपका अपना भला तो हो ही रहा है। जब आप घूमते हैं तो जिन जिन लोगों के कानों में शब्द पड़ते हैं उनका भी जीवन धन्य हो जाता है। तो नगर संकीर्तन कार्तिक मास में इसीलिए श्रेष्ठ बनाया गया है। आप लोगों को दो तीन बातें और बताता चलो, जो लोग करते हैं ठीक है, नहीं तो आज से करना शुरू कर देना। कल पूर्णिमा थी, रात को खीर किसने किसने बनाया था? कल रात को खीर किसने किसने बनाया? हाँ, शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनती है और वही खीर का प्रसाद आज सुबह पारण करते हैं। एक बात, जो लोग कल नहीं किए वो लोग को आज बताते हैं, आज से आप लोग अगर हो सके
तो तुलसी जी की सेवा शुरू कर दो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं जिसने कल नहीं किया वो आज से शुरू कर दे। और दीपावली के एक दिन पहले या दीपावली के दिन 14 दीपक दान भगवान राम या विष्णु लक्ष्मी या राधा कृष्ण के मंदिर में दान कर दे। अब पूरे कार्तिक मास में तुलसी सेवा करें और भोर में उठ करके नहीं कहीं जा सकते हैं तो अपने घर के अंदर में ही कीर्तन शुरू कर दें, महामंत्र का कीर्तन। और ये नहीं कि बैठकर करना बिस्तर पर, नहीं, उससे समय आपका नष्ट हो जाएगा। घर में उठने के बाद शौचादि इत्यादि से निवृत्त होने के बाद बिना स्नान किए अब कितने लोग सोचते हैं कि अगर हम मान लो बाथरूम या शौचालय में चले गए तो बिना नहाए भगवान का नाम कैसे ले। गलत है, ऐसा नहीं सोचना। ऐसा जो सोचते हैं वो भगवान से वंचित हो जाते हैं। आप स्नान किए रहो चाहे मत करो, कोई जरूरी नहीं है। बिस्तर से उठो, शौचादि इत्यादि करो और उससे निवृत्त होकर हो सके नहा लो, नहीं नहा सको तो कोई बात नहीं, बिना नहाए कीर्तन शुरू कर दो। और वो कौन सा कीर्तन, दूसरा कोई कीर्तन मत करना, नहीं तो अपराध हो जाएगा। कलिकाल से मुक्त होने का, जो कलिकाल से मुक्ति दिलाता है उस महामंत्र का कीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा मंत्र। और एक बात और बताऊं आपको, मेरा मन तो करता कितना क्या क्या बताऊं आप लोगों को, लेकिन बीच में कथा भी है, है? यह कीर्तन जो महामंत्र है ना, जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं सभी में जो श्लोक हैं उनको क्या कहा जाता है, मंत्र। सिर्फ मंत्र, उनको क्या कहा जाता है, मंत्र। जितने भी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद हैं, जितने भी श्लोक हैं उनको क्या कहते हैं, मंत्र। और उन मंत्रों के पिताजी का नाम है महामंत्र। ये जो हमने बताया अभी गा करके, इसको महामंत्र कहते हैं। आपको कोई पूजा चाहे देवी की हो चाहे देवता की हो चाहे किसी की भी पूजा हो, पूजा करते समय अगर आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र बोलिए, मंत्र बोल करके पूजा करिए। अगर आपको मंत्र नहीं आता ना तो मंत्र के पिताजी को नाम का नाम लो, जो मंत्र के पिताजी हैं। और ये मंत्र चाहे भोग लगाओ, चाहे दीपक दिखाओ, चाहे आरती करो, चाहे स्नान कराओ, कुछ भी, चाहे वस्त्र पहनाओ, भगवान का कुछ भी काम करो, कोई भी क्रिया करो, कोई मंत्र नहीं आता है आपको। भोग लगाने का भी मंत्र नहीं आता है, उठाने का, उनको जगाने का, सुलाने का कोई मंत्र नहीं आपको आता है, कोई बात नहीं, न डरना न घबराना। पढ़े नहीं हो एक अक्षर तो भी कोई बात नहीं, एक ही मंत्र ही है,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। और इस मंत्र को गाते रहो, गाते गाते झाड़ू उठा लो माताओं के लिए, झाड़ू उठाओ और घर के कोने से शुरू हो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। झाड़ू पूरे घर में झाड़ू लगा दो कीर्तन करते करते, उसके बाद बर्तन उठाओ सारे, बर्तन मांजना शुरू कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। बर्तन मांजना शुरू करो, उसके बाद स्नान करो, स्नान के बाद चाय बनाओ और पति को चाय पहुंचाओ। पति के कमरे में जब वो सो रहा होगा और आप चाय लेके पहुंचोगी कीर्तन करते हुए, तो पति के कानों में राम के नाम का आवाज जाएगा और उठेगा वो तो कहेगा मेरी बीवी कितनी धर्मात्मा हो गई है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इस महामंत्र को भगवान भोलेनाथ ने जपते जपते वह अमर हो गए। महामंत्र जही जपत महेशु, यही महामंत्र है और कोई महामंत्र नहीं है। चाहे कितने भी गुरुओं से आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं, इस व्यासपीठ से जिनके मन में कोई संशय हो ध्यान दीजिए। आवाजें बहुत आ रही हैं आप लोगों की, जब कथा चल रही हो ना मेरे माई बाप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग बिल्कुल बहरे बन जाओ, बाहर की आवाज आपके कान में ना जाए, आपका मुंह पड़ोसी के मुंह में बड़बड़ 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 मत करो, सीधा कथा में ध्यान दो। अब तो एक ऐसा पर्दा लग गया है, ये मुंह में जाबा लगा दिया भगवान ने है कि अंदर से अंदर कुछ भी कहते रहो कुछ पता नहीं चलता है। कितने लोग कह रहे होंगे मुंह में लगा के, बाबुआ बहुत बोलता है, अब सुनाई तो दे नहीं रहा ना दिखाई दे रहा है, है? बोलो जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राधे। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं कि जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम सीता कर दुख भागा रामचंद्र गुण भरने लागा सीता कर दुख भागा रामचंद्र गुण भर गई लागा सुनते सीता कर दुख भागा रामचंद्र गुण भरने लागा सुनते सीता कर दुख भागा तेरे भी सब दुख भागेंगे तेरे भी सब दुख
मेरी सीता माँ के लता हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा हाँ जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा नारद जी भगवान का नाम जपते हुए महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर के ध्यान करने लगे और इधर उसी समय भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय ये दोनों राक्षस कुल में इनका जन्म हुआ। रावण और कुंभकर्ण इनके एक मंत्री था जो वैरोचन की देवती थी उसके पुत्र की जो पुत्र था वो विभीषण के रूप में जन्म लिया। रावण अत्याचार करने लगा जगह जगह अपनी चौकियां बनाने लगा आतंकवादी गतिविधियां ये आज कलयुग में नहीं त्रेता में भी थी उन्हीं को आतंकवादी गतिविधियां कहते हैं। और जगह जगह पर रावण अपनी चौकी बनाने लगा कहीं मारिच को कहीं सुबाहों को कहीं ताड़का को अन्य राक्षसों को जगह जगह भेजने लगा अत्याचार करने लगा। देवता लोग परेशान हो गए परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी देवताओं को समझाया कहा भी देखो इसका मर्म तो शिव जी के पास है चलो शिव जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी लेकर के पृथ्वी सहित शिव जी के पास गए और शिव जी ने कहा कि भगवान कहां नहीं है हम अपने इस पीड़ा को कहने के लिए क्षीर सागर जाने की आवश्यकता नहीं है हमें भगवान का यही प्रार्थना करना चाहिए भगवान सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समान परमात्मा सब जगह है उसे यही याद करो यही प्रकट हो जाएगा। सभी देवता मिलकर के भगवान का स्तुति करने लगे जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद जहित कारी जय सुरारी सिनु सुता प्रिय करता जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता आइए सब लोग आइए गोद जहित कृपाला दीन दयाला करो
भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी भगवान के प्रकट होने की प्रार्थना करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत योगितम चरित पुनीतम माया रहित मोको। जय आदिराजी अति अनुरागी देवता स्तुति करने लगे भगवान की। भगवान वहां प्रकट नहीं हुए किंतु भगवान ने उन्हें आकाशवाणी के द्वारा सभी देवताओं को संतुष्ट किया। ध्यान दीजिए, आकाशवाणी हुई। जन डर पाहू मुनि सीध सुरे जन डर पाहू दर सुरे तो महिला हरियाओ देसा तो महिला के दरों नर देसा अंसन सहित मनुज अवतारा अंसन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिन कर वंश उदारा ले हूँ दिन कर वंश उदारा हे कश्यप अदिति महातप कीना कश्यप अदिति महातप कीना कर में पूरब भर देना कर में पूरब भर देना ते दशरथ को शिला रूपा ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर रूपा कौशलपुरी प्रकट रघुकुल तिलक सोचारियो भाई रघुकुल तिलक सोचारियो भाई हरि हौ सकल भूमि गरुआई हरि हौ सकल भूमि गरुआई हरि हौ सकल भूमि गरुआई हरि हौ सकल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। भगवान ने कहा
भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा देवताओं को संतुष्ट किया, आप धैर्य धारण करें, तनिक भर भी चिंता मत करें। मैं पूर्व जन्म के कश्यप अदिति की तपस्या का वरदान पूर्ण करने के लिए इस समय महाराज दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्या में अवतरित हैं। मैं उनके वर को देने के लिए, पूरा करने के लिए अंश सहित, मैं अपने अंशों सहित चार चार पुत्रों के रूप में मैं उनके यहां प्रकट हूं। आप लोग धैर्य धारण करें और आप वहां पहुंचे। बाबा को लिखना पड़ा, तुलसीदास जी लिख दिया, अवधपुरी रघुकुल मनीराऊ, अवधपुरी रघुकुल मनोराऊ, दशरथ दशरथ। ब्रह्मा जी से शिव जी कहते हैं, भगवान ने अपने आने की सूचना दे दी है, अब आप एक काम कर सभी देवताओं को अयोध्या में भेज दीजिए, भगवान के आने का स्वागत करने के लिए सब लोग अपना अपना रूप धारण कर ले। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, महाराज दशरथ की तीन पवित्र विचारधारा की तीन पत्नियां हैं और भगवान के प्रति आस्थावान हैं और पति परायण हैं। पार्वती को ये बात शिवजी बता रहे हैं, क्यों? पिछले जन्म की बात याद आ गई, सती का। पार्वती जी मुस्कुराई, क्या कह रहे हैं तो सुनो। एक बार भू पति मन माही, 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 भाई गलानी मोरे सुत नाही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। पार्वती जी से भगवान भोलेनाथ कहते हैं, महाराज दशरथ की तीन पत्नियां हैं, तीनों पति परायण हैं और भगवान के प्रति आस्थावान हैं, महाराज दशरथ भी प्रसन्न हैं, किंतु एक दुख है जो महाराज दशरथ को सता रहा, वो क्या? कोई पुत्र नहीं। एक समय की बात, महाराज दशरथ विचार करते हैं कि भाई गलानी मोरे सुत नाही, चिंता की बात, दुख की बात, अपनी इस दुख भरी व्यथा को लेकर के महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। ये कथा कौन कह रहा है? ये कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे। कहां सुना रहे? कैलाश पर्वत। कब सुनाया? जब सती का त्याग कर पार्वती के रूप में आई है सती, और जिस बात पर संदेह किया था उस संशय को दूर करने के लिए पार्वती जी ने शिव जी से कहा, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो राम कथा सुनाइए। और वह राम कथा पार्वती जी को शिव जी सुना रहे, वही कथा आप सोनिया बिहार में रघुवर पैलेस में सुन रहे हैं, कोई और कथा नहीं है। और कथा मैं नहीं जानता हूं, कथा है इस पृथ्वी पर कोई नहीं जानता, जितने भी वक्ता बने हुए ना कोई कथा नहीं जानता,
सब जो भी कथा होती है वो शिव जी ही सुनाते हैं। ये व्यास पीठ जो बनी हुई है ये ऐसे साधारण नहीं है, गरिमा है इसकी। आप लोग सोचो कि मैं सुना रहा हूं, ये दयानिधि सुना रहे हैं, ये कथा दयानिधि नहीं सुना रहे, भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को सुना रहे। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया और समझाने के बाद कहा, धरहु धीर होइ है सुत चारी, धरहु धीर होइ है सुत चारी, धरहु धीर होइ सुत चारी, धरहु धीर होइ सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारे, त्रिभुवन विदित भगत भय हारे, हे श्री राम जय राम जय जय आपके चार चार पुत्र होंगे, एक नहीं दो नहीं चार चार, किंतु इसमें एक परिश्रम है। वो परिश्रम क्या है? बोले आपको पुत्र यष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। अब पुत्र यष्टि यज्ञ इस समय इस पृथ्वी पर एक ही लोग करते हैं, वह एक ही ब्राह्मण है, एक ही ऋषि है, कौन? श्रृंगी ऋषि। उनके अलावा कोई पुत्र यष्टि यज्ञ? यहां कथा क्या कह रही है, कथा क्या कह रही है हमारे जीवन में, इसका क्या प्रकाश डाल रही है? हम जब कभी अपने घर में कोई अनुष्ठान या पूजा पाठ कराते हैं, बिना विचारे ब्राह्मण को बिना जाने पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए, नहीं तो होना होगा अच्छा कर जाएगा बुरा। आपको क्या मालूम कि वो कौन सा मंत्र किसके बारे में बोल गया? आप जानते हैं? नहीं जानते? इसलिए कभी भी घर के अंदर पूजा पाठ कराएं तो सुलझे हुए विद्वान और सात्विक ब्राह्मण से ही पूजन कराएं। मेरी बात पर आप लोग संदेह भी ना करें और बुरा भी ना माने। क्यों? दिन भर चबर 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 पान चबाने वाला, गुटखा चबाने वाला, शाम को पौआ पीने वाला, तिलक लगा के घूमे, शिखा बना के घूमे और उससे आप सत्यनारायण भगवान का कथा सुने, तो ये पाप उस पंडित को नहीं, जो कराएगा जो सुनेगा उसको लगता है। और कितने लोग कहते हैं हमसे क्या मतलब है, हम तो पंडित जी को दे दिए, पंडित जी जाने। ऐसा नहीं है। आप अगर यह कह के छुटकारा लेना चाहते हो कि पंडित जी जाने, पंडित जी करते हैं पंडित जी जाने, तो यह गलत है। क्यों? क्योंकि पंडित जी को आप जानते हो। अगर आप नहीं जानते तब तो बात अलग है, लेकिन आप पंडित जी को जानते हो, उनको बुलाए हो आप, तो बिना परिचय के तो बुलाए नहीं है। और ऐसा करने वाले से अगर आप कर्म कांड कराएं, सत्यनारायण भगवान का कथा सुने, तो आपका वह फल मिलने वाला नहीं है, पूजा भी बेकार हो जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, हम ये नहीं कह रहे कि पंडित जी लोग पान ना खाएं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारा कहने मतलब ये नहीं है। हमारा कहने का मतलब है पंडित जी पान खाएं, गुटखा खाएं, तंबाकू खाएं, मछली खाएं, मुर्गा खाएं, जो मर्जी में वो खाएं, ये मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि जब पूजा कराएं, अपने घर में अनुष्ठान कराएं, तो सात्विक ब्राह्मण, नहीं तो सब व्यर्थ।
हमारे महाराज जी एक दिन कहने लगे, मैंने कहा महाराज जी एक बात बताइए, किसी भी प्रकार का कोई ब्राह्मण हो तो वो चौपाई देते हैं ना, जो लोग मुर्गा मछली खाने वाले लोग हैं वो लोग चौपाई सुना देते, कहते पूजी अभिप्र सकल गुण, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसकी पूजा करनी चाहिए। ये सत्य बात है, झूठ नहीं है। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो नहीं, यहां चौपाई में जो लिखा वो कहो, पूजी अभिप्र सकल गुण हीना, अगर उसके भीतर गुण नहीं है, ब्राह्मण है, वेद पाठी नहीं है, मंत्र नहीं याद है उसको, पूजा विधि नहीं जानता है, कोई बात नहीं। किंतु अगर वह सात्विक है, अगर वह धूम्रपान निषेध है, मांस मदिरा से दूर है, एक ही नाम जानता हो, सिर्फ परमात्मा को भजता हो, तो भी वह ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मणों को पूजा करनी चाहिए, किंतु अगर अवगुण हो तो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। क्यों? ब्राह्मण पृथ्वी का देवता है, ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता माना गया है। तुलसीदास जी ने रचना करते समय पहले उन्हीं को प्रणाम किया, पूजा ही प्रथम महीसुर चरणा, सबसे पहले ब्राह्मणों के चरणों को पूजा की है। तो हम समाज के अगुआ हैं, ये कथा का संदेश है कि हम समाज के अगुआ हैं, हम जैसा करेंगे वैसा पीछे वाले भी करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई हम अगुआ है ना, हम पंडित जी हैं, हम गोस्वामी जी हैं, तो अगर हम जो अच्छा हमारा जो कर्म है जो हम करेंगे वही ना हमारे पीछे वाले करेंगे। अब वो बात अलग है, औलादे निकम्मी निकल जाए तो कोई करे क्या है। अब हिरण्यकश्यप राक्षस था, पुत्र प्रहलाद हुए है, विशेषर्वा जो थे, पुलस्त ऋषि है, रावण पैदा हो गया, क्या करोगे, ये तो उसके कर्मों का फल है। तो ये कथा यहां कहती है, वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज दशरथ से, ध्यान दीजिए, वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज दशरथ से कि आप पुत्र यष्टि यज्ञ कराएं, चार पुत्र होंगे, किंतु पुत्र यष्टि यज्ञ जो है वह सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पर एक ही लोग हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, उनके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात बताओ, श्रृंगी ऋषि लालची है, अगर आप पुत्र यष्टि यज्ञ कराएंगे और उनको पता चल गया कि आपका इतना बड़ा साम्राज्य है तो वो कुछ भी मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का मांगने का अधिकार है। पूजा कराने के बाद यजमान को पूछना चाहिए, यह भी कथा में है, यजमान को पूछना चाहिए कि बताओ महाराज क्या सेवा करें। तो ब्राह्मण ऐसा नहीं होगा कि ऐसा कुछ मांग ले जो आप देने लायक ना हो, वो आपके अनुसार मांगेगा। किंतु यहां कथा कहती है कि श्रृंगी ऋषि जो है वो बहुत लालची है और वह महाराज हमारे गुरुदेव जी पधार गए हैं इस समय, पारिविकाचार्य त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रभा महावीर गोस्वामी जी महाराज का पदार्पण हो गया, खड़े होकर के आप लोग स्वागत करेंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, महामंत्र का उद्घोष करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा वशिष्ठ जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि एक ही व्यक्ति है जो पुत्रेष्टि यज्ञ कराएगा, उसका नाम है श्रृंगी ऋषि और वह लालची है, कुछ भी मांग सकते हैं, इसलिए काम करें। तो एक उपाय है, उन्होंने कहा एक उपाय यह है कि श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और उनसे यज्ञ आरंभ कराओ। आपके हस्तरेख में ऐसा है कि एक कन्या का जन्म, कन्या की उत्पत्ति होगी और उन्होंने बुलाया, यज्ञ आरंभ हुआ और उसे यज्ञ के यज्ञ से प्रसाद रूप में एक कन्या की उत्पत्ति हुई जिसका नाम कांता, महाराज दशरथ की एक पुत्री के रूप में हुई जिसका नाम कांता था। वह यज्ञ हुआ, यज्ञ से सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, श्रृंगी ऋषि को लालच हुआ, महाराज दशरथ ने कहा, वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप यज्ञ जब कराएंगे तो जो पुत्रेष्टि यज्ञ में उस कन्या को उस यज्ञ मंडप में बिठा देना, वह सुंदर होगी और श्रृंगी ऋषि आपके धन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, आपकी इस कन्या की तरफ ध्यान देंगे। ठीक वही हुआ, यज्ञ कराया और यज्ञ कराते समय उस कन्या को बिठाया गया और जब यज्ञ विश्राम हुआ तो महाराज दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि से कहा, महाराज दक्षिणा बताए। श्रृंगी ऋषि ने कहा, मुझे दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये कन्या जो बैठी है आपकी, इसी का दान कर दीजिए। महाराज दशरथ जी ने प्रसन्नता पूर्वक उस कन्या का दान कर दिया। फिर उसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ, उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए, उन्होंने एक हव दिया खीर के रूप में और महाराज दशरथ जी से कहा, इसे ले जाकर के बराबर बराबर अपने पत्नियों में इस प्रसाद को बांट देना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीना। श्री राम जय राम जय जय राम जे, श्री राम जय राम जय जय राम जे, जय जय विघ्न हरण हनुमान जे, जय जय विघ्न। गोपाल दास कृत रामायण में यह वर्णन है कि वो जो खीर का कटोरा था महाराज दशरथ लेके आए और उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया, बचा कितना? आधा। और वहां क्या बोला था कि बराबर बराबर सबको दे देना, लेकिन महाराज दशरथ जी ने क्या किया, कौशल्या के एक पुत्र हुआ, कैकेयी के भी एक, सुमित्रा के दो क्यों हुए? प्रसाद तो बराबर बराबर सबको देना था। तो यहां ये गोपाल कृत रामायण छेपक में आता है
कि उस खीर के कटोरे को ले गए, महाराज दशरथ आधा भाग दे दिया, कौशल्या को बचा कितना, आधा, उसमें से आधा किया तो दे दिया कैकेयी को, फिर जो आधे का आधा बचा वो दे दिया सुमित्रा को, फिर जो शेष बचा था, महाराज दशरथ कैकेयी को ज्यादा प्रिय प्रेम करते थे, वो बचा हुआ भाग कैकेयी को दे दिया। फिर कैकेयी और कौशल्या दोनों में आपस में सलाह करके, वह सुमित्रा को प्रेम करती थी इसलिए जितना भाग महाराज दशरथ ने दिया उतना भाग कौशल्या ने भी मिला करके सुमित्रा को दे दिया, तो सुमित्रा का भाग अधिक हो गया। इसलिए यहां छेपक में आता है कि सुमित्रा के दो पुत्र हुए, बाकी कैकेयी और कौशल्या के एक एक हुए। समय बीता, सभी रानियों ने गर्भ धारण किया। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान के अवतार होते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नगामा, मध्य दिवस अति शीत नगामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा। आहा कितना सुंदर मौसम हुआ है, ना अधिक धूप है ना ही सर्दी है, गुलाबी मौसम जिसको बोलते हैं आप लोग, बहुत सुंदर। जब खेतों में हरियाली आई और सरसों के फूल खिल गए खेतों में, मीठा मीठा सा मंद मंद सी हवाएं सुगंध बिखेरती हैं, वृक्षों में भी नए नए भौर आने लगते हैं, फल आने की तैयारियां होने लगती है, प्रकृति अपनी छटा को बिखेर देती है और सब आनंदित होने लगते हैं, फसल पकने लगती है। हमारे भगवान का जब आगमन होता है तो ऐसी ऋतु हो जाती है, और आज हमारे इस भौतिक जीवन में नया साल जब आता है लोगों का अंग्रेजों वाला, तो रात को आता है, और हमारी सनातन संस्कृति में भगवान का जब अवतार हुआ तो दिन में हुआ, सुंदर मौसम हुआ, खुशहाल जीवन हुआ, प्रकृति भी अपनी छटा को बिखेरती है। और यहां क्या होता है, नया साल मनाते हैं कब, हमारा नया साल कब होता है, चैत प्रतिपदा को, है शुक्ल प्रतिपदा को, और जो हमारे आज के भौतिक जीवन में लोग हैं ये दिसंबर के लास्ट वाले रात में 12 बजे दारू बोतल मांस मदिरा के साथ नया साल शुरू होता है, और कितने लोगों का अंतिम सांस उसी रात में हो जाता है, वो दारू पी के झगड़ा लड़ाई दुनिया भर के बवाल करके खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे नया साल का क्या लेना, कथा एक कहती है, कथा का संदेश है, जो लोग नए साल में अपने बच्चों को 1,000-2,500 रुपया खर्च करने के लिए देते हैं, उन माताओं पिताओं को यह संदेश है कि दिसंबर की आखिरी रात में अपने बच्चों को ऐसा करने से वर्जित करें, अभी तो हो सके तो उनको ऐसा खर्चा न दिया जाए, बेटियों को भी ना दिया जाए। पता चला बेटी हो चाहे बेटा, पैसा दिया घर में नहीं मनाए, चले गए बियर बार में मनाए, सवेरे बेटी लौटी तो पता चला कि बेसुध पड़ी हुई है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर, ऐसे संस्कार नहीं होने चाहिए। भगवान माता कौशल्या के कक्ष में
प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप धारण करके पूर्व जन्म का आभास कराने के लिए समय व्यतीत हुआ। बहु भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुने मन हारे अद्भुत रूप विचारी लोग जनहा फेरा श्री हरि नारायण चतुर्भुज रूप में पीताम्बरी धारण किए हुए वैजयंती माला कानों में कुंडल शोभायमान हो रहा है माता कौशल्या के कक्ष में प्रकट हो। माता कौशल्या ने देखते ही यह दृश्य को भगवान को प्रणाम किया। बोले आप बोले हाँ आपका वरदान पूरा करने के लिए आया मैं आपके पुत्र के रूप में आपको वरदान दिया था वह वरदान पूरा करने के लिए आया हूं हे मां आपके पुत्र के रूप में मुझे स्वीकार कर। कौशल्या ने कहा है आप मेरे पुत्र बनकर आए। कह दुई कर जोरी अस्तित्व तोरी केही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञान तीत पमाना वेद पुराण पढ़ करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै सुत सहता सो महित लागे जन अनुरागे भयो प्रकट शिय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम को जोड़कर प्रणाम करती हैं, कहती है एक बात तो आपने बड़ा अच्छा किया कि आप मेरे वरदान को पूरा करने आए लेकिन मैंने आपको पुत्र के रूप में मांगा था आप तो इतने बड़े आए हैं होकर के आप पुत्र नहीं पिता के समान हैं आप पिता का रूप धारण किए मुझे पिता नहीं पुत्र के रूप में चाहिए छोटे से बालक बनकर के आई। जब इतनी बात कही भगवान ने कृपा कर और माता कौशल्या से भगवान कहने लगे सुनो मां आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा था इसलिए इस संसार में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है इसलिए मैं स्वयं या स्वरूप लेकर के आया हूं। अगर आप कहती हो बालक के रूप में तो अभी आपकी इच्छा पूरी हो। माता पुनि बोली सो मत डोली तजउ तय रूपा की जय सुसुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनुपा सुनी भजन सो जाना रोदन ठाना बालक सुर भोपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव गोपा बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जी जय जय विघ्न हरण हनुमान जी श्री राम बात। जब माता कौशल्या की भगवान ने सुना बालक का रूप धारण किया और रुदन करने लगे सारे महलों में शोर मच गया दासियां दौड़ी हुई माता कौशल्या के कक्ष की ओर गईं और यह समाचार जाकर महाराज दशरथ से सुनाया। बधाई हो महाराज बधाई हो महारानी कौशल्या ने
एक पुत्र को जन्म दिया है। महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं, महल में से निकल करके कौशल्या के महल की ओर भागते हुए चलते हैं। तब तक एक दूसरी दासी दौड़ती ही महाराज दशरथ की ओर चलती है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। क्या हुआ? महारानी कैकेयी के भी एक पुत्र हुए। अब कौशल्या की कक्ष में ओर जाएं या कैकेयी की कक्ष की ओर जाएं? कैकेयी की कक्ष की ओर भागे तब तक तीसरी दासी, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? महारानी सुमित्रा के दो दो लाल हुए। अब क्या करें? खुशी का कोई ठिकाना नहीं, उत्सव मनने लगा, आनंद ही छा गया। महाराज दशरथ कभी कौशल्या की कक्ष की ओर, कभी कैकेयी के, तो कभी सुमित्रा के, और सभी द्वार पर दासियां पहरे देकर के खड़ी है कि महाराज दशरथ भीतर न चले जाएं, बिना नेक चार दिए कहीं बच्चे का मुंह न देख ले। आनंद होने लगा। विप्र धेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। अरे सुन सी सुरुदन परम प्रिय बानी, सुन सी सुरुदन परम प्रिय बानी, सुन सी सुरुदन परम प्रिय बानी। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ सुन सी सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आए सब रानी, संभ्रम चली आए सब रानी। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सुन सी सुरुदन परम प्रिय बानी, सुन सी सुरुदन परम प्रिय बानी। महाराज दशरथ प्रसन्न होकर के आनंद मनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सो। आज अब हम समय साढ़े पांच होने वाला है, इस कथा को आज हम यहीं विश्राम देंगे। सोहर, वैसे उत्सव हम लोग कल मनाएंगे, सोहर की बात है तो एक सोहर सुना देते हैं। और कल आप लोग जितनी माताएं हैं अपने अपने घरों से टॉफी बिस्कुट लड्डू पेड़ा, भाई अपने घर में अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं ना आप लोग, तो यहाँ भगवान का जन्मदिन है, आप लोग लेकर के आइएगा। और जितना भी हो सके खिलौने लुटाइएगा, और जिन माता की या जिन पुरुष वर्ग में भी जिनकी इच्छा हो इस हाल को सजाने के लिए गुब्बारे या और जो कुछ लड़ी हैं वो आप ला सकते हैं, लेकिन गुब्बारे वगैरह सुबह दे जाएं ताकि हम इसको सजा दें, ठीक है। और आप लोग खिलौने टॉफी बिस्कुट इत्यादि लड्डू पेड़ा जो भी ला सकते हैं लाइए। कल हम लोग खूब धूमधाम से भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएंगे, आगे की कथा भी चलेगी। और कल भी हमारे बीच में एक महात्मा का पदार्पण होगा, आगमन होगा, उनके आशीर्वचन को हम लोग लेंगे। तो आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं, लेकिन एक सोहर कह रहे हैं तो
सुन लीजिए आप लोग। पीछे लगा रहा हूं। अरे कहवा से आवेली पियरिया पियरिया लागल झालरी पियरिया लागे झालरी हो रामा कहवा से आवेला से मोरवा से मोरवा भरल से मोर हो रामा जो प्रचलन है वो उत्तर प्रदेश के
पूर्वांचल क्षेत्र में है, पश्चिमांचल में बधाई है और अब तो सब जगह बधाई हो रही है। सोहर का प्रचलन लोग भूलते चले जा रहे हैं, नहीं तो सोहर बिहार में भी सोहर अलग अलग तरह का सोहर, बिहार में सोहर गाते थे लोग पहले, आए कितना सुंदर। और पहले की हमारे पूर्वांचल में माताएं बहनें गाती थी पहले की, वो कैसे गाती थी, अरे गोरी रे बिटिया अंग पातरी हमके चिहा के बोले हमके चिहा के देखे हो, ये चंदा मामा अरे आवा पर आवा नदिया किनारे आवा आवा हमारे अंगनवा। ये बिहार में लोग गाते हैं और उसी में पुरानी जो माताएं होती थी वो गाती थी कि मचिया पर बैठली तू सासु असरग गुनवा आगर सरब गुनवा आगर हो, ये सासु मन करे चाउर के चवैनी खाई और पात्र पात्र दही खाई हो। ये माताएं गाती थी बहुत पहले की है? अब कहाँ है सोहर, मॉडल जमन आ गया। अरे ये तना बचन सासु सुन ली त सुनहु ना पवली त सुनहु ना पवली ए ललना कोठिए कोठिए चौरा चुरावेली भुजैनी से भुजावेली हो। अलग आनंद है। और एक कवि थे और वो भी गाते थे, तो अलग अलग सबका अलग अलग है। इसलिए सोहर बहुत है, कल सुन लीजिएगा आप लोग, मेरे गुरुदेव भगवान आए हैं, आप लोग गुरुदेव जी के वचनों का सुने और अपने जीवन में उतारें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिको त्वापि ध्यायस्तु वतस्सः यशास्त्री संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुम्भयेव च पतितानांग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यः नाम निगोर्त विषे नमः वृंदावन कलानाथो हृदयानां वार्धिना सुखदवो राधिका कृष्ण भजामि कुंज गामिनः वृंदाय तुलसीदेवये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। सबसे पहले
मैं अपने गुरुदेव नितिला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद भक्ति दयिता माधव गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में सात संग संग कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने शुद्ध भक्ति प्रचार करने के लिए भारतवर्ष में और विदेशों में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की स्थापना की। द्वितीय मध्य अभिन्न गुरु भ्राता एवं त्रिदंड संन्यास प्रदाता भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग संकोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तृतीय मध्य शिक्षा गुरुदेव जिनके साथ में आसाम तेजपुर गौड़ीय मठ में रहा, जिन्होंने वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन कराया और जिनके साथ रहते रहते मैंने यूनिवर्सिटी की बहुत डिग्रियां प्राप्त की, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बरसाने वाली राधा रानी की, नदिया बिहारी कीर्तनकारी प्रेम अवतारी गौरांग महाप्रभु की। मैं अपना प्रवचन आरंभ करूं, इससे पहले दो मिनट के लिए आप कीर्तन कीजिए। जय जय राधे जय जय श्याम जय 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 हो जय जय राधे जय जय श्याम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय पावन राधे तेरो नाम
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बड़ा आनंद का विषय है कि आप लोग वैष्णव संत से मानस चर्चा सुन रहे हो, किंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को अगर सुनो तो ध्यान से सुनना। पुराणों में वर्णन है, अगर हरि कथा सुनना है तो वैष्णव संतों से सुनो। मेरे गुरु महाराज जी मेरे को बोलते थे, तुम भाषण देने जाते हो आर्मी मंदिर में, एयरफोर्स के मंदिरों में, सावधान, जो शास्त्र में वर्णन है वही कहना। पुराणों में वर्णन है, ऐ वैष्णव मुखत गिरना पूतम हरि कथा अमृता। ऐ वैष्णव जो विष्णु मंत्र से दीक्षित नहीं है, जो तिलक धारण नहीं करता है, कौन सा तिलक, ये नहीं कि बिंदी लगा देना, ये नहीं कि ऐसे लगा देना, जैसा तिलक मेरा है ऐसा तिलक जो धारण नहीं करता और वह भागवत करता है, रामायण करता है, गीता के बारे में बोलता है, उसको वह जहर बना देता है। ऐ वैष्णव मुखत गिरनम पूतम हरि कथा अमृतम। हरि कथा क्या है, वह अमृत है। अब अमृत को पान करके तो अमर हो जाना चाहिए। पुराणों में वर्णन है, क्या वर्णन है कि ऐ वैष्णव मुखम कथा श्रोतव्यम न कर्तव्यम। ऐ वैष्णव के मुख से कथा सुनना नहीं चाहिए। क्यों, सर्प उच्चिष्ट यथा पयो। पयो संस्कृत में कहते हैं दूध। हम दूध पीते हैं बलिष्ठ होते हैं, शक्ति आती है। अगर उस दूध को सर्प झूठा कर दे, सर्प झूठा करे और दूध को पी जाओ, दूध का रंग तो सफेद ही है, उस दूध को पीने से क्या लाभ है। राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार श्रोतव्यम न ततो शास्त्रम, उस शास्त्र को नहीं सुनना चाहिए। यदि ब्रह्मा स्वयं वदे, तो अगर ब्रह्मा और शिव जो है ऊर्ध्वपूर्ण तिलक धारण किए बिना उस कथा को कहते हैं। ऊर्ध्वपूर्ण तिलक के बारे में जरा सा इंगित करूंगा, फिर मैं सब्जेक्ट के ऊपर बोलूंगा। इसको ऊर्ध्वपूर्ण तिलक कहते हैं, वाम पाशे सदा ब्रह्मा दक्षिणेषु सदा शिव मध्येषु विष्णु विजानयात् तस्मात् मध्येषु न लिप्येत। दाई साइड में जो है अर्थात शिव जी विराजमान है, बाई साइड में जो है ब्रह्मा जी विराजमान है, इन बिटवीन टू लाइन के बीच में लक्ष्मी के साथ नारायण विराजमान है, इसलिए मध्येषु न लिप्येत परिष्कार होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे कर लेते, पता नहीं कौन से देवता को बैठाते हैं, अरे हमारे तिलक में है इधर ब्रह्मा है इधर शिव है और बीच में लक्ष्मी नारायण है। अगर ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करने वाले का आपने दर्शन कर लिया तो समझ लो ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी का आपने दर्शन कर लिया। अभी मैं आता हूं आपके यहां पर, दो विषय है, मानस चर्चा और एक भगवत गीता के ऊपर चर्चा। भगवत गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। आप गीता गीता हल्ला करते हो, कोई स्वतंत्र ग्रंथ गीता नहीं है। बोलोगे क्या बात है, जिस प्रकार समुद्र को मंथन करके अमृत निकला था,
समुद्र को मंथन करके अमृत निकला था, ठीक उसी प्रकार जो है महाभारत को मंथन करके गीता। तो गीता जो है वह महाभारत है। महाभारत कितनी बार हमने रिपीटेशन किया, महाभारत के उद्योग पर्व के बाद में भीष्म पर्व आता है। ध्यान देकर सुनना, भीष्म पर्व में जो है अध्याय 25 से लेकर 43 अध्याय तक जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है उसको गीता कहते हैं। और उपदेश देने के बाद भगवान ने कहा, गीता सुगीता कि मन शास्त्रे संघरे वा विस्तरे या स्वयं पद्मनाभ मुख पद्मनिष्ठा। ये गीता हमारे वैदिक शास्त्रों में दो प्रकार का साहित्य है, एक गद्य है और एक पद्य है। तो गीता गद्य नहीं है, गीता पद्य है, गीता एक गान है। ये गीता का गान किसने किया है, स्वयं पद्मनाभ मुख, जिसकी नाभि से पद्म जो है वह प्रकट हुआ है, उसके मुखारविंद से ये निकला है। और ग्रंथ जो है वो तो वेद व्यास ने लिखे हैं, क्योंकि गीता जो है स्वयं भगवान के मुखारविंद से। आइए गीता में कितना श्लोक है कौन बताएगा? 700 श्लोक। कितना श्लोक है? है याद रखना, 700 श्लोक है गीता में। और 700 श्लोक श्री कृष्ण नहीं बोले। प्रथम श्लोक जो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवा सेव किम अकुरति संजय। वो दशरथ जो आंखों से अंधा था वो भीतर से भी अंधा था, उसने कहा हे संजय, संजय की कथा बहुत है मैं नहीं कहूंगा, हे संजय मेरे पुत्र पांडव के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर क्या किया। बस एक श्लोक, ओनली वन श्लोक वाज स्पोकन बाई धृतराष्ट्र देन कैप्साइलेंस एंड लिसनो कंप्लीट लेक्चर गिवन बाय लॉर्ड श्री कृष्ण। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। कितना याद रखना, ये महावीर महाराज है, महात्माओं में महात्मा प्रोग्राम कराते हैं मेरा, ये तो मैं तुम में फंसी गया, चलो आ गया, कोई बात नहीं है, है? अब पता नहीं आपका उद्धार हो गया, मेरा भी उद्धार हो सकता है आपको देखकर। तो 574 श्लोक श्री कृष्ण बोले हैं और 40 श्लोकों में संजय ने वर्णन किया है। संजय ने पूरी गीता में 40 श्लोक बोले हैं। और भगवान का मित्र, भगवान का दास, भगवान का अति प्रिय, भगवान के सखा भाव का भक्त अर्जुन ने 85 श्लोक बोले हैं। अभी मैथमेटिक्स तो पढ़ा होगा, 1 + 574 + 40 + 85 = 700। अभी है वो 700 श्लोक जो है 18 अध्यायों में जो है बांटा हुआ है, और 18 अध्यायों को फिर 6-6 अध्यायों में बांटा है। प्रथम 6 अध्याय जो है वे जो है वो कर्म की तरफ प्रेरित करते हैं। अर्जुन आई बी रेडी फॉर फाइटिंग, मैं नहीं करूंगा, मेरे भाई बंधु हैं, निराश हो जाता है। उस निराशा को दूर करते हैं
भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 53वें श्लोक तक शरीर तत्व आत्म तत्व ब्रह्म तत्व इनमें व्याख्या करते हैं। फिर आगे 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक वो भक्ति योग है। 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक जो है वह ज्ञान योग है। एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ कर्म है और बीच में भक्ति है। इस प्रकार 3 शतकों में बटा हुआ है। अभी आइए श्री मद गीता सुनने की महिमा क्या है। गीता शास्त्रम इदम पुन्नाम यो पठेत प्रत्यो नित्य सा, जो नित्य जो है गीता का पाठ करते हैं, श्लोक अर्धम श्लोक पादम यो पठेत नित्य सा, एक अध्याय पाठ किया समय नहीं है आधा किया, और समय नहीं है एक श्लोक किया, और समय नहीं है आधा श्लोक किया, विष्णु पदम पर विष्णु पदम आप नोती भैसोकादि वर्जिताम, अर्थात उसको भगवान विष्णु के पद की प्राप्ति होती है। ये नहीं सोचना कि पद भी प्राप्त होती है तो क्या गीता पढ़ के मर जाएंगे, तो पढ़ना जरूरी नहीं है भैया। जब गीता पढ़ के भगवान के पद की प्राप्ति होती है, लोक की प्राप्ति नहीं, मृत्यु जब होगी गीता पढ़ते पढ़ते अंत समय में यमदूत नहीं आएंगे, वह विष्णु दूत भेजेंगे भगवान। और याद रखना जिसके गले में तुलसी माला है, जिसके 12 अंगों पर जो है ये ऊर्ध्वपूर्ण तिलक है, उसको देख कर यमराज यम के दूत फुर्र भाग जाते हैं, एक भी नहीं आएगा उस व्यक्ति को लेने के लिए। चतुर्भुजधारी भगवान के 4 पार्षद आएंगे, 4 पार्षद, और जय जयकार करते करते ले जाएंगे वैकुंठ में, गोलोक धाम में है। और गीता के बारे में कहते हैं, गीता धन शीलस्य प्राणायाम परश्च नोएव संति पापानि पूर्ण जन्म कृतानि च। गीता का पाठ करने से पूर्ण जन्मों में जितने भी पाप हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं जितना भी उपनिषद है, 21 उपनिषद हैं, उसमें मेन 11 हैं, फिर छोटे बोड़े लगा कर वो 108 उपनिषद हैं। सारे उपनिषदों को गाय बोला है, सर्व उपनिषदों गावो दोगदा गोपाल नंदना। जिस प्रकार गाय का दूध करने के लिए ग्वाला की आवश्यकता है, तो उपनिषद रूपी गावों को किसने दुआ है, श्री कृष्ण ने दुआ है। किसने पिया है, बछड़ा रूप अर्जुन के रूप में बछड़ा ने पिया है। गीता अमृत महत, अमृत जो है वह गीता का उसने पिया है। गीता की महिमा तो बहुत है। अब मैं आता हूँ कि गीता से हमको क्या शिक्षा मिलती है। देखिए आप लोग जब वेद पढ़ोगे, वेद को त्रिविद्या कहते हैं। त्रिविद्या क्यों कहते हैं ध्यान दीजिए, ऋग्वेद में, सामवेद में और यजुर्वेद में, तीनों वेदों में जो ज्ञान है उसको त्रिविद्या कहते हैं। तो वेदों में कहाँ है स्त्री, ब्राह्मण बंधु, शूद्र, नौचौत्रही, श्रुति गोचरा, इन तीनों को श्रुति पुराण आदि सुनने का अधिकार नहीं है। पतित ब्राह्मण, शूद्र और स्त्री, और गीता जो है वह सबका सार है। गीता के 9वें अध्याय में देखना आपको एक श्लोक मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मामि पार्थ विपाशितः
ये अपि पापयो नये स्त्रिय वैश्य शूद्र यान्ति पराम गति। हे अर्जुन कि हाँ कि सावधानों के श्रवण करो कि चाहे स्त्री हो चाहे वैश्य हो चाहे वैश्या हो चाहे शूद्र हो पतित ब्राह्मण हो जो मेरा आश्रय लेकर पाप योन पाप योनि में चंडाल कुल में भी उत्पन्न करना हो जिसने मेरा आश्रय ले लिया वो चंडाल चंडाल नहीं वह शूद्र शूद्र नहीं वह वैश्य वैश्य नहीं वह स्त्री स्त्री नहीं वह कौन है भगवान का भक्त है भगवान के सेवक भगवान की सेविका है। हम स्त्री पुरुष बोलते हैं ये शरीर का दर्शन है ये आत्मा जो है आत्मा ने स्त्री है आत्मा ने पुरुष है। आत्मा क्या है आप सुनोगे तुलसीदास जी ने भी कहा गीता में भी कहा गीता में कहा ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन और रामचरितमानस में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सदा सुख राशि। ये क्या है हम लोग सब भगवान के अंश हैं अपने अपने कर्म के द्वारा जो है हम लोगों को ये शरीर मिला है कर्मों का भोग करने के लिए आए हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। क्या देते हैं श्री कृष्ण कहते हैं अरे अर्जुन मन भव मन मना भक्त मदा जुनीमा नमस्कुरु कि मन मेरे को दे दे मेरा भजन कर तू मेरा भक्त हो जा क्यों अहम ही सर्वज्ञ नाम भोक्ता चय प्रभु रेव चो। गीता के ऊपर टीका लिखा हमने बहुत बड़ी टीका है कल को हम भेंट करेंगे जो यहाँ पर वक्ता आएंगे सबको भेंट करेंगे और जिसने खरीद लियो खरीद सकते हो किंतु वो इंग्लिश में है हिंदी में कोई ग्रंथ नहीं हमारा सारी किताब जो सब इंग्लिश में है। और गीता का भाषण में लिखा जब हम विदेश में प्रचार करने के लिए जाते थे विदेश में यूक्रेन में जर्मनी में ऑस्ट्रेलिया में इटली में फ्रांस में इधर इधर रशिया में अभी लास्ट प्रोग्राम मेरा साउथ अमेरिका में था ब्राजील में साओ पालो उसी पीरियड में लिखा। तो वहां पर कहते हैं कि मैं भगवान हूं इसलिए मेरी आराधना करने से ही मेरी प्राप्ति होगी। अगर कोई मेरी आराधना नहीं करेगा देवी देवताओं की आराधना करेगा तो मेरी आराधना नहीं करेगा उसको मेरी प्राप्ति नहीं होगी। अभी मैं पाठ कर रहा था अपने मठ में वहां पर था कि चारों वेदों में जिसकी श्रद्धा है और वेदों के अनुसार सकाम कर्म करते हैं उनको जन्म मृत्यु से कभी छुटकारा नहीं मिलता। लोग कहते हैं स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल स्पष्ट कहा क्या कहा कि हे अर्जुन जो लोग यज्ञ करते हैं तपस्या करते हैं और स्वर्ग में जाते हैं ते तुम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम कीने पुण्य मर्त लोकम बसंती जो बड़ा बड़ा यज्ञ करके बड़ा बड़ा तपस्या करके जो हैं स्वर्ग में जाते हैं जब पुण्य खत्म हो जाता है देवता लोग लात मारते हैं पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो मेरा आराधना करेगा माम प्राप्त सी कौन ते पुनर्जन्म न विद्यते जो मेरा आराधना करेगा उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा ये संसार में दुख भोगने के लिए वो नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं सब तजा भजिए नंद कुमार और भजे से काम सरे नहीं मिटे ने भव जंजाल सब तजा भजिए नंद कुमार। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहा है कि यान्ति देवप्रता देवान पितृ यान्ति पृथ्वीता भूतान यान्ति भूतेजा मदाजिनो अपि माम। भगवान श्री अर्जुन को कहते हैं अर्जुन यान्ति देवप्रता देवान
जो देवताओं की आराधना करते हैं वो देवता लोक में जाते हैं, सूर्य की आराधना करो सूर्य लोक में जाओगे, देवी की आराधना करो देवी लोक में जाओगे, इंद्र आदि की आराधना करो स्वर्ग में जाओगे, शिव की आराधना करो शिव लोक में जाओगे, और भूत प्रेतों की आराधना करो ना तो भूत लोक में जाओगे भूत बन के, और पितृगणों की आराधना करोगे ना तो पितृलोक में जाओगे। भगवान कहते हैं मदाज नहीं व्यापी माम, जो मेरी आराधना करता है केवल वही मेरे को प्राप्त होता है। अर्जुन ने एक प्रश्न किया, जब आप ही भगवान है आप सर्वशक्तिमान है परम ब्रह्म परम धाम परम पुमान हो, आप ही परम ब्रह्म है आप ही परम धाम है, तो ये जो लोग हैं ये लोग आपके आराधना क्यों नहीं करते, क्यों समझ देवी देवता के आराधना करते हैं, संसार में बीमारी है जय माता जी जय माता जी जय माता जी जय पिताजी जय पिताजी कोई बोलता नहीं है। अरे माता जी तो पिता के अधीन है या नहीं है, आपकी पत्नी को कोई गुणगान करता रहे बार बार उसका जागरण करते रहे पत्नी का, आपको घास ना डाले क्या बोलोगे कुछ गड़बड़ी है, अरे पिता को याद करो, पिता कौन है कमान गीता पिता अम्मस्य जगतो माता धाता पिता माम वेदम पवित्र ओंकार ऋग्साम यजुरेव च, भगवान कहते हैं इस जगत की माँ माँ की माँ और बाप बाप का बाप, अब मैं सबका बाप मैं ही हूँ, शिव का बाप मैं ब्रह्मा का बाप मैं, और ब्रह्म वैवत पुराण पढ़ोगे हैं अभी तो समय नहीं है, है? मैं समय हूँ मिले ना पूरा वेद वेदांत खोल कर रख दूँ आपके सामने है? तो कहते हैं नारायण का बाप भी वो कृष्ण है, नारायण जो है गोलोक धाम में वो कृष्ण से उत्पन्न हुआ है, कोई तर्क कर सकता मेरे उसमें, मैं विदेशों में भी कहता हूँ कि इफ एनीबडी हैज क्वेश्चन ही कैन गेट क्लेरिफिकेशन व्हेन माय लेक्चर इज फिनिश्ड, एनीबडी आउट ऑफ क्वेश्चन शुड बी आउट ऑफ माय लेक्चर। भगवान कहते हैं मेरे को क्यों नहीं जपते, देवी देवताओं के पीछे क्यों जाते हैं, कांक्षता कर्मणा सिद्धि यजन्ते ये देवता क्षिप्रमी मानुषे लोके सिद्धिर भक्ति कर्मजा, कि देवता जो है वह कर्म के अधीन है, देवता जो है वह मंत्र के अधीन है, देवता की आराधना करो अर्थात वे नाशवान वस्तु देंगे, शादी नहीं हो रही शादी हो जाएगी, पुत्र नहीं हो रहा पुत्र हो जाएगा, धन नहीं है वो धन मिल जाएगा, नाशवान वस्तु देंगे। अर्जुन जिस नाशवान वस्तु को पाके और भोग करके फिर जन्म होता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम, मैं संसार का भोग नहीं देता मैं अमृत देता हूँ, मैं नित्य सुख देता हूँ, जिस सुख को प्राप्त करके वो संसार का सुख जो है उसका इच्छा जो है वह खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों में अनेक योगों का वर्णन किया है, अनेक योगों का वर्णन किया और अंत में बोल दिया जिसको तुम धर्म समझते हो धर्म परिवर्तन, अरे धर्म कभी परिवर्तन होता है, धर्म तो एक ही है वो सनातन धर्म है, सनातन धर्म को छोड़ करो और कोई धर्म नहीं है, और अगर है वो विश्वास है वो फेत है धर्म नहीं है। तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तुमको जो तुम जो धर्म बोलते हो स्त्री धर्म पुरुष धर्म ब्राह्मण धर्म क्षत्रिय धर्म और वैश्य धर्म शूद्र धर्म वृक्ष धर्म पशु पक्षी धर्म, जिसको तुम धर्म बोलते हो अरे अर्जुना अर्जुना सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। अर्जुन ने बोला धर्म का पालन करने के लिए आपने तो उपदेश दिया पुराणों में वेदों में शास्त्रों, बोल यस नो डाउट करेक्ट मैंने दिया है वो उपदेश दिया है, मैं साक्षात जो मैं बोल रहा हूँ तेरे सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ यह परम धर्म है, परम धर्म
परम धर्म को अवलंबन करने के लिए धर्म आप परित्याग कर सकते हो। अगर पाप होता है भगवान गारंटी देते हैं, हैं क्या गारंटी देते हैं, ओम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं पाप अपने मस्तक पर ले लूंगा, तू चिंता मत करो मत करो। ये गीता के 18 अध्याय में बहुत दिव्य दिव्य उपदेश है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, राम जी ने जो किया, राम जी ने जो आचरण किया, राम जी ने जो आचरण किया वो आचरण हमको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण ने जो आचरण किया ना वो नहीं करना, श्री कृष्ण के उपदेश को पालन करना चाहिए। अगर श्री कृष्ण के आचरण को करोगे, 6 दिन का था, जहर पी लिया उसने और मरा नहीं, पिलाने वाली मार गई। अगर श्री कृष्ण जैसा आचरण करोगे ना तो उसकी तो 16108 रानी थी और पता नहीं आपके देवता की कितनी रानियां हैं सौतन है, है? तो इसलिए श्री कृष्ण जो उपदेश दिया है, वी मच फॉलो दैट और व्हाट एवर एक्टिविटीज आर डन बाय रामचंद्र वी शुड फॉलो रामचंद्र लाइफ एंड प्रिसेप्ट इति वार्ता। आपका समय तो 6 बजे तक का है, मैं ज्यादा मैं वो महात्मा हूँ 10 मिनट में भी बोल दूँ और 20 मिनट बोल दूँ और घंटा घंटा। चंडीगढ़ में मैं 9 घंटा एक बार बोला, हमारे तीर्थमा राजा वो नाराज हो गए, फेफड़ा खराब हो जाएगा। थैंक यू, जो मैंने बोला चिंता करो, अगर प्रश्न है तो मेरे से बाद में पूछ लेना। बांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानांग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम देखिए आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं हमारे गुरुदेव जी की कथा गृहस्थ आश्रम में किसी किसी को समझ में आती है और जिसको समझ आ जाती है फिर उसके जीवन का परिवर्तन हो जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान जो हैं ये बड़े बड़े संतों को उपदेश देते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों ऋषियों को प्रवचन सुनाते हैं। हमारे गुरुदेव ऐसे बोला ना उन्होंने कि मैं तो फंस गया। तो ये हमारे आग्रह पर समय निकाल रहे हैं और अकेले नहीं और भी अपने शिष्य समान गौड़िया मठ के संतों को भी बुलाएंगे। आप लोग उबना नहीं, एक बात विशेष ध्यान से गांठ मार लेना, कभी गुरुदेव महाराज की कथा से उबना नहीं कि उबने लगे और चल दो उठ के। न जाने कौन सी बात कब निकले और आपके दिल में घर कर जाए, जीवन उद्धार हो जाए। आज महाराज जी ने कोई समय नहीं लिया, हमारा 15 मिनट का समय लिया, ये कोई समय नहीं है। महाराज जी को हम लोग 1 घंटा सुनेंगे, 15 मिनट नहीं होता कुछ। और महाराज जी से हम लोग मूल तत्व ज्ञान श्रवण करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि महाराज जी अगला जो प्रसंग होगा वो इन लोगों को ये बताएं, लोग संदेह करते हैं संशय में हैं कि भगवान कौन है और हम किसको भगवान माने और पूजा किसकी करें। यह प्रमाण गुरुदेव महाराज के द्वारा आप लोगों को कथा के माध्यम से मिलेगा, कभी भी आप लोग उबिएगा नहीं। आइए हम लोग स्तुति करते हैं, उसके बाद फिर आरती, फिर प्रसाद लेके अपने अपने घर जाएंगे।
हे राम दया कर दो भगवान ने कृपा कर दो हम आए हैं तेरे दर पर हम सहो पर
भक्ति कर्मणा किसी भी प्रकार से कथा श्रवण करते या कराते समय कोई त्रुटि हुई हो हे गोविंद क्षमा कर अपने जन्म स्थान दे हे गुरुदेव क्षमा करें। अब आप लोग सभी को जय जय श्री राधे। ये कुछ दानी सज्जनों का जो है यह सहयोग कथा में प्राप्त हुआ है, मैं उनका नाम जो है यहाँ से लेना चाहूँगा। श्री आर के पाठक जी 202 रुपये, जयराम शर्मा जी 30 रुपये का इनका यहाँ पर योगदान हुआ है, राकेश ओझा जी जिनकी ओर से श्री राम कथा के अंदर 1100 रुपये की सेवा दी गई, एक बार जोरदार तालियां, और एक दिन का प्रसाद भी इनकी व्यवस्था में आएगा, एक बार और जोरदार तालियों से आप जो है। राकेश सिंह जी हैं इनकी ओर से 501 रुपए श्री राम कथा के अंदर जो है सहयोग आया है, और राधा तिवारी जी की ओर से भी 501 रुपए। सभी सभी लोग बैठ जाइए। कहाँ जा रहे हैं? दानी दाताओं से मैं यही निवेदन करूँगा कि आप लोग दिल खोल के जो है इस भगवत कार्य में जो है दान दीजिए। यह कार्य जन कल्याण का है, जन कल्याण जनमानस के कल्याण के लिए ही कहा जा रहा है, क्योंकि रामायण सबके घर में है लेकिन रामायण पढ़ता कोई नहीं है, सबने लाल कपड़े में बांध कर मंदिर में रख दिया, केवल धूप दिखा दिया करते हैं उसके। लेकिन राम कथा के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से हर एक सनातनी को अपने धर्म की याद दिलाई जाती है कि ऐसी लीला जो है भगवान ने इस धरा पे करी थी, जिस धरा पे हमको और आपको सौभाग्य मिला है, जन्म मिला है हमको इस भारत की भूमि पर, इसलिए ये आयोजन किया जाता है। और महाराज जी के द्वारा जो है बहुत ही सुंदर कार्य श्रीधाम वृंदावन के अंदर जो है जमीन का जो कार्य है वो लगभग जो है पूरा हो चुका है। आप लोगों से उसके निर्माण के लिए जो है हम दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके आप सभी जनता जनार्दन से जो है ये भिक्षा रूपी मांगते हैं कि आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर उसमें ध्यान दें, जिससे श्री वृंदावन धाम के अंदर सोनिया विहार की भूमि का भी एक मठ एक मंदिर स्थापित हो, जहां पर आप लोग जाएं तो आपको भी ये गर्व महसूस हो कि हाँ भाई हम लोगों ने भी मिलकर जो है कम से कम अपना एक स्थान यहाँ पर बना दिया है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो है वहाँ के लिए, और तीसरी बात कि आप जो है हमारे बड़े भाई नरेश ब्रजवासी जी जिनके द्वारा जो है श्री राधे की रज जो चैनल है
ये रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर जब राधे की रज करके सर्च करेंगे तो ये चैनल आपके सामने आएगा, जिस पर जो कथा यहाँ पर चल रही है वो डी लाइव जो है आपको यूट्यूब पर भी, आप जो लोग नहीं सुन पाए हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं या जो लोग भी आपके जानने वाले हैं उनको भी बताकर आप जो है यूट्यूब पे कथा जो है वहाँ पर सुनवा सकते हैं। सभी को बार बार साधुवाद जिन लोगों ने दान दिया है, क्योंकि दान देने से कहा है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरता नीर, और दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। हमारा और आपका कुछ नहीं है, ना कुछ लेके आए थे और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। इस बीच में चाहे कितनी भी हाय मचा लें, चाहे किसी का 25 गज हो और चाहे किसी का 25 गज हो, ऐसा कोई माई का लाल धरती पर पैदा नहीं हुआ जो कुछ लेके गया हो। इसलिए साथ यही जाना है जो आपके जीवन में धर्म और कर्म हो जाएगा, और कुछ आपके साथ नहीं आएगा, और वहाँ कोई गिनती भी नहीं है। यहाँ भले ही आप कितनी गिनती कराइए, सभी से पुनः आग्रह इस राम कथा, इस मानस के जो महायज्ञ हो रहा है इसके आगे भी भंडारे की भी व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्था है। आप लोगों पे जो भी हो सके यथाउचित अपने ओर से या अपने जानने वालों सबसे, दान करना एक पुण्य है लेकिन उससे 10 गुना पुण्य है कि किसी के द्वारा जो है हम कहकर जो है दान को करवा दें। धर्म के कार्य में आपने जो है उसको बढ़ावा दिया, इसलिए आप लोगों से पुनः मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि बढ़ चढ़कर जो है इस कथा के अंदर जो है आप भागीदार बने। और रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, सुख चंदन दुल्हा के, सखी है आरती लो तारो, रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती लो तारो, रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, हेत नंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, शोक चंदन दुल्हा के, सखी आरती लो तारो, रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती लो तारो, रघुनंदन दुल्हा के, हीरा के हार मोड़ मन मोती है, सखी आरती उतारो, रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो, रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, शोक चंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, सोई दुलरुआ दुल्हा के, सखी आरती उतारो, जय हो नैन कजरा रे अलख घोंगरा रे वाले, नैन कजरा रे अलख घोंगरा रे काले, कनवा में कुंडल सोए होठवा पे पान के लाले, कनवा में कुंडल सोए होठवा पे पान के लाले, सोहे लीला बिलाल लाल चंदन दुल्हा के, सोहे लीला बिलाल लाल चंदन दुल्हा के,
मुस्कान और तेरे चितकार है। जादू कौन हो परमाई सकल जहान है, जादू कौन हो परमाई सकल जहान है। कोटि काम छवि मारूं अंग अंगन दुल्हा के, कोटि काम छवि मारूं गठबंधन दुल्हा के, ऐसन बाधो नाही छोटे गठबंधन दुल्हा के। सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के सुख चंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के सुख चंदन दुल्हा के। सीता समारोह पितवाम भाग मारो महासायक चार चार नमामि रामम रघुवंशनाथ मनोज भारत तुल्य देव जितेन्द्रियं गोत्र मनापरिष्ठम माता पदम पार रूप पुष्प श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल पापाने जन्मांतर कृताने चताने सर्वाणि नक्षत्रं प्रदक्षिणां पदे पदे। जय जय श्री श्री गुरु गौरांगो गंधर्व का गिरधारी महाराज की जय। भक्ति प्रभात दंडी स्वामी महावीर गोस्वामी महाराज की जय। जय नितला अपृष्ठ मनुष्य भक्ति भी
दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। नितला विष्णु भक्ति विनोद चक्ति ठाकुर महाशय प्रभु की जय। रूप सनातन पटना जी गोस्वामी महाराज की जय। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय। जय श्री राधे जय। जय श्री राधे श्याम।